प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय, उन्होंने संविधान को बदलने की बात कर दी। आरएसएस के लोगों ने उसको बुलवाया। आरएसएस के लोग क्या करते हैं, उनकी काम करने की पद्धति है, वो सोचा छोड़ते हैं प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका अध्ययन करते हैं, फिर अध्ययन करने के बाद अभी उचित समय नहीं आया है प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। आपका कार्यक्रम था वाराणसी और वहाँ रोका गया कार्यक्रम, उसके लिए आपने एक आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन का भी ऐलान किया और भारत बंद का भी ऐलान किया, क्या तैयारी है भारत को लेकर? सारे देश भर में इसकी तैयारी चल रही है। तो हम लोग जो संवैधानिक अधिकार है उसको रोकने की कोशिश होगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईवीएम को लेकर बड़े पैमाने पे भारत बंद का ऐलान 10 सितंबर को हो जाएगा। ईवीएम के मुद्दे पर भारत बंद किया जाएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसीलिए दिसंबर में भारत बंद होगा और बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़े तैयारी से कर रहे हैं। और आप लोगों को शायद जानकारी है कि नहीं, हमारी इंडिया के गठबंधन के लोगों ने चुनाव आयोग को ईवीएम के मुद्दे पर समय मांगा, इसका मतलब समझ गए आप, मामला अंदर ही अंदर बहुत गर्म हो रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम को न्यायपालिका को जो कमेटी थी उसे बेदखल कर दिया मोदी सरकार ने, वो बहुत सीरियस बात है, बहुत गंभीर बात है, वो मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। ये तो अभी तो इन्होंने कानून बनाया, तो कानून आजकल ऐसे कानून बन रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट क्लियर नहीं करता वो कानून कानून ही नहीं रहता, वो चैलेंज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच पड़ताल करती है कि संवैधानिक रूप से बराबर है कि नहीं है। अगर मान लो कि नरेंद्र मोदी के ही कैबिनेट का एक कैबिनेट आदमी है और प्रधानमंत्री बोलेगा, कैबिनेट वाला आदमी बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मूर्खता की हद हो गई कानून बनाने की। यानी 3 लोगों की कमेटी, उसमें 2 लोग सरकार के ही, और वो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का ही दूसरा कैबिनेट आदमी, तो मतलब बहुमत पहले से, तो इसको कानून बोलते हैं, इसको निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, बात समझ रहे क्या? ये निष्पक्षता का जो सिद्धांत है ना, उसका उल्लंघन है। मेरे जैसे साधारण बुद्धि के आदमी को ये बात समझ में आती है, सुप्रीम कोर्ट के लोगों को समझ में नहीं आती, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आपने 2024 में आपने ऐलान भी किया है कि ईवीएम फोड़ने का। देखो ये पहले तो भारत बंद से मामला बनेगा ना, 24 में फिर फोड़ने का है, पहले तो माहौल बनाना पड़ेगा ना। आज देश भर में ईवीएम के बारे में करोड़ों लोग बोल रहे हैं, पहले तो मैं अकेले ही बोलता था, अभी मैं बोलना कम कर दिया तो दूसरे लोगों ने बोलना बहुत शुरू कर दिया, ये खुशी की बात है। वैसे दूसरे लोग, मैं अकेले ही बोलता था, अब दूसरे लोग बोल रहे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय, उन्होंने संविधान को बदलने की बात कर दी। आरएसएस के लोगों ने उसको बुलवाया। आरएसएस के लोग क्या करते हैं, उनकी काम करने की पद्धति है, वो सोचा छोड़ते हैं प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका अध्ययन करते हैं, फिर अध्ययन करने के बाद अभी उचित समय नहीं आया है प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। बड़े पैमाने पे हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है संवैधानिक पदों पर बैठे। हिंदू राष्ट्र क्या है? जो दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों का, वो कहता है हिंदू मुसलमान की देवी का नहीं है, वो राष्ट्र बनेगा हिंदू मुसलमान की देवी गाली है, तो उस नाम पर राष्ट्र बनेगा। ये पूछा जाए अभी हिंदू धर्म में उसके नेता कौन है, जो जन्मजात ब्राह्मण है वो हिंदू धर्म के नेता है, तो इसका मतलब वो हिंदू धर्म है कहाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र बनाने का मतलब है हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मणों का अंकित राष्ट्र बनाने का मतलब है, ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बनाने का मतलब है हिंदू राष्ट्र। यानी कि हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मण राज स्थापित। हाँ वो है ना, वो मौलिक बात, बोलना बोल नहीं सकते ना, ब्राह्मणों का नियंत्रित गुलाम राष्ट्र बनाना है, बोल नहीं सकते, संविधान के विरोध में है, राष्ट्र तो माना जाएगा। सर पीएम मोदी के जो सलाहकार है उनके अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? संविधान में आर्टिकल 19 में बयान देने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में अधिकार है, वो ऐसा बयान दे सकता है, मगर उस बयान की जांच पड़ताल सुप्रीम कोर्ट के लोग कर सकते हैं। और कल कोई आदमी उस बयान को आधार बना करके अगर सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा उसको ऐसा बोलने का अधिकार है, ठीक है? सारे लोग सही बोलते हैं ऐसा तो नहीं कह सकता, बहुत सारे लोग गलत सही ये बातें बोलते रहते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है।
तो सारे के सारे लोग सही बोलते हैं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना, मगर दूसरे लोगों को भी तो बोलने का अधिकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने गलत कहा तो मैं उसको गलत कहने का मेरे पास भी तो अधिकार है ना। नहीं उसने गलत कहा, मैं क्या कह रहा, आरएसएस का दलाल आदमी है, आरएसएस ने उसको बोलने के लिए कहा, ऐसा नहीं कहा अभी, आरएसएस का दलाल आदमी है, क्या इज्जत रहेगी, दलाल बन के साले काम कर रहा है तू आरएसएस का।